नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट। मोदी लहर रोकने के लिए हरकत में आई कांग्रेस, बनाया प्लान, चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनेगी कमेटी। मुकेश गुप्ता बने सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष, मनोज महासचिव तो रमेश बंसल बने उपाध्यक्ष। सभी वर्ग के व्यापारियों के लिए कार्य करने की कही बात। सुंदरनगर में मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंडोर गेम्स प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 70 वर्षीय कमला देवी ने जीती कैरम बोर्ड व चेयर गेम प्रतियोगिता। और आईटीआई मंडी में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, प्रशिक्षुओं को आपदाओं से निपटने के बारे में दी गई जानकारी। मोदी शाह की आंधी से भयभीत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इसके तहत पार्टी को मजबूती प्रदान करने के साथ भाजपा पर निशाना साधने का निर्णय लिया गया है। सुखू ने कार्यकारिणी सदस्यों और जिलाध्यक्षों से अपने अपने कार्यक्षेत्र में सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुँचाने का आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष व ब्लॉक पर्यवेक्षक शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मिशन 2017 को लेकर चर्चा हुई। इसमें विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करने के अलावा शिवला नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर मंत्रणा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कार्यकारिणी सदस्यों और जिलाध्यक्षों से अपने अपने कार्यक्षेत्र में सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए इसकी पोल खोलने को लेकर कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही। सुक्खू ने कहा कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जिला स्तरीय अधिवेशन करेगी। इसमें वीरभद्र के अलावा जिला से कांग्रेस विधायक, जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रभारी व पदाधिकारी भी भाग लेंगे। हिमाचल कांग्रेस 21 मई को शहीदी दिवस पर 2 किलोमीटर पदयात्रा का आयोजन करेगी। इसका नेतृत्व सुक्खू करेंगे। यह पदयात्रा धर्मशाला के संगम पार्क कोतवाली बाजार से बार मेमोरियल तक चलेगी। बैठक में ब्लॉक पर्यवेक्षकों से फील्ड की रिपोर्ट भी ली जा रही है और उसके मुताबिक आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यक्रमों और 4.5 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को लेकर कैसे जनता के बीच आना है, उस पर भी विचार हो रहा है। साथ ही विकास के बड़े बड़े कार्यों से विकास के मुद्दों को कैसे बनाना है, उस पर भी मंथन हो रहा है। बैठक में कहा गया कि पार्टी अगले विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कमेटी का गठन करेगी और यह कमेटी जिलों में जाकर लोगों से मिलेगी और क्या मुद्दे घोषणा पत्र में होने चाहिए उसे लेकर जनता से फीडबैक लेगी। सुक्खू ने कहा कि यहां कोई भी नेता या पदाधिकारी किसी भी पार्टी पदाधिकारी व पार्टी के अन्य नेता के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएगा और कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन व्यापार मंडल के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हो गए। चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव पद के लिए हुए, जबकि कोषाध्यक्ष के पद पर योगेंद्र सेठी पहले ही अनपोस्ट प्रत्याशी घोषित हो चुके थे। सोलन व्यापार मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश गुप्ता बने। उन्होंने इस जीत पर सभी व्यापारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। चुनाव में कुल 1267 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव में अध्यक्ष व महासचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों में सीधी टक्कर हुई। अध्यक्ष पद पर मुकेश गुप्ता ने 537 मत प्राप्त करके विजय रहे, जबकि कुशल जेठी को 414 मत और वीरेंद्र सूद को 303 मत पड़े। उपाध्यक्ष के पद पर रमेश बंसल ने एक तरफा जीत हासिल की, उन्हें कुल 843 मत मिले। रमेश बंसल ने अपने प्रतिद्वंदी सुमित खन्ना को हराया। महासचिव के पद पर मनोज गुप्ता ने पंकज वर्मा को 26 मतों से पराजित किया। वहीं तीसरे स्थान पर धर्मेंद्र ठाकुर रहे। इसमें मनोज गुप्ता को 451, पंकज वर्मा को 425 व धर्मेंद्र ठाकुर को 371 मत पड़े। चुनाव प्रक्रिया चुनाव समिति के अध्यक्ष सुनील जग्गा, सुरेंद्र बहल व सुशील चौधरी की देखरेख में हुई। सोलन व्यापार मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने इस जीत पर सभी व्यापारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो विश्वास सभी लोगों ने उन पर किया है, उस पर खरा उतरने का वे भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल में चुने हुए प्रतिनिधियों को साथ लेकर सभी वर्ग के व्यापारियों के लिए कार्य किया जाएगा।
अब ये व्यापार मंडल बन गया है और जो मेरे साथी मेरे साथ चुन के आए हैं, मैं उनके साथ मिलकर व्यवसाय कोई भी किसी भी तरह का व्यवसाय हो, चाहे वो रेडी फड़ी वाला भी मेरा भाई है जिसके पास में एमसी ने लाइसेंस दिया है, उसको भी मैं व्यापार मंडल के साथ जोड़ूंगा। और कोई भी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, घर से अपने रोजगार कर रहे हैं, उन सबको भी इस व्यापार मंडल में जोड़ा जाएगा। और इंडस्ट्री जो हमारी एसोसिएशन है उसको भी जोड़ा जाएगा। और जो हमारी छोटी छोटी एसोसिएशन बनी हुई है सोलन शहर के अंदर, जैसे यूबीए है, एलबीए है, चौक बाजार एसोसिएशन है, नालागढ़ अपना कोरोना नाला एसोसिएशन है, उन सबको हम सहयोग करेंगे और उनसे उनके बाजारों की और ज्यादा बेहतरी करेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। चुनाव सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करवाए गए, जबकि मतों की गिनती शाम 6 बजे के बाद शुरू हुई। चुनाव नगर परिषद हॉल में करवाए गए। वहीं चुनाव परिणाम को जानने व अपने चहेते उम्मीदवार का रिजल्ट सुनने के लिए काफी संख्या में शहर के व्यापारी वर्ग सुबह से देर रात तक नगर परिषद के बाहर डटे रहे। वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। नगर परिषद में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। मानव सेवा ट्रस्ट सुंदरनगर द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चित्रौखड़ी में खोले गए डे केयर सेंटर में इंडोर गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बैलून, चेयर एवं कैरम बोर्ड गेम की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कैरम बोर्ड गेम में 70 वर्षीय कमला देवी ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं द्वितीय स्थान पर माकुल खान रहे। चेयर गेम प्रतियोगिता में कमला देवी ने ही प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही बैलून गेम का भी आयोजन किया गया, जिसमें एक मिनट में अरसाद खान ने 2 बैलून फुलाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को शॉल व टोपी पहनाकर ट्रस्ट के चेयरमैन सीआर बंसल ने सम्मानित किया। इस मौके पर ट्रस्ट के संस्थापक प्रकाश चंद ने बताया कि डे केयर सेंटर में वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तथा ट्रस्ट द्वारा इस तरह के आयोजन करने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को तनाव मुक्त करना व तंदुरुस्त रखना है। उन्होंने कहा कि अगर वरिष्ठ नागरिक ऐसे आयोजनों में शामिल होते रहेंगे तो मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ व आपसी भाईचारा भी बना रहेगा। मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा सुंदर नगर के डे केयर सेंटर में आज यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों का कैरम बोर्ड, चेयर गेम एवं बैलून गेम का आयोजन यहाँ करवाया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको तनाव मुक्त रखना और उनके स्वास्थ्य में बढ़ावा देना, ताकि वो खुश रहें, घर से बाहर थोड़ी देर के निकलें और इस सेंटर में आकर के इन गेम्स का फायदा उठाएं। इन गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करने वाली श्रीमती कमला देवी 70 वर्षीय है, वो चेयर गेम में फर्स्ट आई तथा कैरम बोर्ड में भी फर्स्ट आई। उसके उपरांत बैलून गेम में श्री असाद खान जो 65 वर्ष के बुजुर्ग हैं उन्होंने प्रथम स्थान हासिल की गया। चेयरमैन श्री सी आर बंसल के द्वारा इनको शॉल एवं टोपी से भी सम्मानित किया गया। मेरा अन्य भी बुजुर्ग जो यहाँ के सुंदरनगर के निवासी हैं उनसे भी अनुरोध है कि इस डे केयर सेंटर में आकर के इन सुविधाओं का भरपूर आनंद उठाएं और अपने जीवन में को स्वस्थ रखें। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ट्रस्ट लगातार वरिष्ठ नागरिकों की हर देखभाल करने के लिए प्रयासरत है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी, कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश, एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहटा बाजार टाउन मंडी, प्ले वे विद क्रैच। एडमिशन आल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान, यहां आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉल मार्क के शुद्ध गहने।
वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर सोलन में आमजन को रेडक्रॉस समिति के जन कल्याण कार्यों के संबंध में जानकारी देने एवं अधिक से अधिक लोगों को रेडक्रॉस के साथ जोड़ने के उद्देश्य से मिनी मैराथन एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ किया। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आईटीआई सोलन, सर्व शिक्षा अभियान, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों तथा रेडक्रॉस समिति सोलन की ओर से विभिन्न वस्तुओं एवं खानपान के स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रक्तदान शिविर में उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने सबसे पहले रक्तदान करके उपस्थित रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रेडक्रॉस संस्था गरीब एवं असहाय लोगों के लिए कार्य करती है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को रेडक्रॉस में सहयोग देने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि पीड़ित मानवता की सहायता के लिए अस्तित्व में आई रेडक्रॉस संस्था अपनी स्थापना के समय से ही विश्व के कोने कोने में सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में रेडक्रॉस संस्था गांव-गांव तक समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर रेडक्रॉस सोसाइटी सोलन के द्वारा कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें आज सुबह हमने मिनी मैराथन का आयोजन किया था। ब्लड डोनेशन कैंप है और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने का मौका मिले। और बेसिक पर्पस रेडक्रॉस डे में इन गतिविधियों को करने का ये है कि लोग रेडक्रॉस के बारे में परिचित हों और रेडक्रॉस के साथ जुड़ें और मेंबर्स बनें और डोनेट करें, ताकि ये जो पैसा हम इस तरह से इकट्ठा करें वो ज़रूरतमंद लोगों को, बीमार लोगों को इलाज के लिए और दूसरी ज़रूरतों के लिए खर्च किया जा सके। अंत में उपायुक्त द्वारा रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। डलहौजी में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा का जन्मदिन मनोज चड्ढा के समर्थकों ने केक काटकर मनाया। इस दौरान मनोज चड्ढा के कई समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद डलहौजी के उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने की और मनोज चड्ढा के समर्थकों के साथ केक काट मनोज चड्ढा का जन्मदिन मनाया। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां मनाई तथा हर क्षेत्र में सफलता की कामना की। आज मनोज चड्ढा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उनके समर्थकों ने यहाँ पर डलहौजी में केक काटकर उनकी उम्र की शुभकामनाएं करते हैं, ताकि भगवान उनको लंबी उम्र बख्शे और डलहौजी के तमाम वर्कर उनकी खुशी की लहर है कि आज उनका जन्मदिन है। विश हिम लक एंड मेनी मेनी हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। इस अवसर पर अजय चौहान, हरीश महाजन, मनोहर लाल, विकास कुमार आदि भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। आईटीआई मंडी में मोटर निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। इस कैंपस में लगभग 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये जानकारी आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने दी। पिछले कुछ वर्षों से समय समय पर आईटीआई पास युवाओं के लिए आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिसके द्वारा युवाओं को रोजगार के विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को आईटीआई मंडी में मोटर निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि इस इंटरव्यू में लगभग 350 युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस इंटरव्यू में युवाओं का रिटन एग्जाम लिया गया और चयनित युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। आज लगभग 350 युवा जो हैं अब तक वहाँ इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं। कंपनी की पहले चरण में जो है सबका रिटन टेस्ट
जो है वो ले रही है, और रिटर्न टेस्ट जो क्लियर करेंगे उन लोगों का बाद में जो है साक्षात्कार करेगी कंपनी, और कुछ लोगों को 25 लोगों को जो है जो आज चयनित होंगे, एक बहुत बढ़िया मौका उनके लिए, उनको जो है परसों यानी 10 तारीख को ही कंपनी के हरिद्वार के प्लांट में ज्वाइन करना है। आज सिलेक्ट होंगे और यहीं उनको उनके चयन का प्रमाण पत्र देंगे, जो है 10 मई को सुबह 10 बजे वहां ज्वाइन करेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है। बाकी 100 के लगभग और इन्होंने सिलेक्ट करने हैं, तो 350 जो है अभी तक पहुंच चुके हैं। वहीं युवाओं में भी कैंपस इंटरव्यू के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं को इस प्रकार के कैंपस इंटरव्यू के द्वारा रोजगार का विकल्प उपलब्ध हो पाता है, ताकि वे अपने परिवार का सहारा बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहां पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहां पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण, साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी निशौक। वहीं आईटीआई मंडी में भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ 7 बठिंडा द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ इंस्पेक्टर रामकुमार मालवीय ने प्रशिक्षुओं को आपदाओं से निपटने के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है और अनमोल जिंदगियों को कैसे मौत के मुंह से निकालकर बचाया जाता है, सोमवार को आईटीआई मंडी में भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ 7 बठिंडा द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के जवानों ने अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में जागरूक किया। एनडीआरएफ 7 बठिंडा के इंस्पेक्टर रामकुमार मालवीय ने बताया कि मंडी जिला में इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और अब तक 5 मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में कुदरती आपदा में एनडीआरएफ कैसे रिस्पॉन्स करती है और युवाओं को यह भी बताया जा रहा है कि आपदा में वे कैसे अपनी और दूसरों की जिंदगी को बचा सकते हैं, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। हम लोग 7th NDRF बठिंडा पंजाब से आए हुए हैं और मेरे साथ 2 सब इंस्पेक्टर कंबल किशोर और मंटू कुमार सिंह है और हमारे साथ 33 जवान हैं, जो कि हम लोग पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं और अभी तक हमारे 5 प्रोग्राम हो चुके हैं, जो कि कुदरती आपदा डिजास्टर के बारे में हम लोग प्रोग्राम दिखा रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम इस कुदरती आपदा में किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, और इस प्रोग्राम को दिखाते हुए हम बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि उन्हें डिजास्टर के दौरान किस तरह से अपने आप को भी बचाना है, उसमें भी हमने ये प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। और हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या अदर ऑर्गेनाइजेशन भी से आ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से, एनसीसी से, जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको हम ये सिखाना चाहते हैं कि अदरवाइज कभी भी डिजास्टर आता है तो उसमें उस बच्चों ने किस तरह से अपने आप को बचाना है। और इसमें हमने एक एग्जांपल भी बताया कि जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक की स्थिति में एनडीआरएफ की टीम ने किस तरह से काम किया था, उसका भी हमने छोटा सा प्रदर्शन इस जंक्शन में दिखाया।
राम कुमार मालविया ने बताया कि मंडी जिला के जोगिंदर नगर और धर्मपुर में भी इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल में उपभोक्ताओं को इस महीने डिपुओं में चीनी का कोटा नहीं मिलेगा। यहां सब्सिडी पर मिलने वाले कार्ड धारकों को चीनी से वंचित रहना पड़ेगा। केंद्र के चीनी पर रोक लगाने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने पुनः उसकी मंजूरी भेज दी है। अब इसमें कितना समय लगेगा यह बात की बात है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिलेगी। अब लोगों को बाजार की कीमत पर ही चीनी खरीदनी पड़ेगी। हालांकि विभाग के अधिकारियों की माने तो केंद्र पहले की तरह चीनी पर सब्सिडी दे, इसके लिए उस स्तर पर वार्ता की जा रही है। उम्मीद है कि इस पर जल्दी कोई फैसला आए और धारकों को कोई परेशानी न हो। डिपो में APL को 19.5 रुपए जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 13.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिलती थी। इस माह राशन कार्ड धारकों को गेहूं की जगह आटा मुहैया करवाया जा रहा है। BPL को 6.25 रुपए प्रति किलोग्राम, APL को 8.60 रुपए तथा अंत्योदय को 2.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर आटा मिलेगा। अंत्योदय को कुल 20 किलो आटा मिलेगा। जिला में लगभग 4,28,000 राशन कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों में APL, BPL व अंत्योदय शामिल है। APL के 2,56,000, BPL के 76,000 तथा अंत्योदय के 1,76,000 कार्ड धारक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोमवार को मंडी में सदर पेंशनर संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसोसिएशन के विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। सोमवार को मंडी में सदर पेंशनर संघ की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में एसोसिएशन की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर पेंशनर संघ के जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा ने संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा 17 दिसंबर 2016 को पीटर हॉफ में संघ की मांगों के मद्देनजर 5-10-15% की घोषणा की गई थी। उस घोषणा को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे पेंशनरों में खासा रोष है। हरीश शर्मा ने कहा कि सरकार इस घोषणा को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाए, अन्यथा पेंशनरों को संघर्ष के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैंने अपने जिला मंडी के समस्त राजनीतिज्ञों को अवगत करा दिया अपने टेलीफोनिकली कि अगर जो 17 दिसंबर 2016 को जो पीटर हाउस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5-10-15% की घोषणा की थी मूल पेंशन में मिलाने की, उसकी कोई भी अधिसूचना आज तक जारी सरकार ने नहीं की है, जिसकी आज सरकार के खिलाफ बहुत रिजेंटमेंट है। अगर एक हफ्ते के अंदर हिमाचल सरकार ने हमारी अधिसूचना जारी नहीं की तो हम सरकार के विरोध में हर कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ये मंडी जिला का फैसला है, ये मैं सरकार को अवगत करा देना चाहता हूँ। वहीं सदर पेंशनर संघ के प्रधान रेवती राम शर्मा ने कहा कि मीटिंग में नवगठित सदर इकाई का गठन किया गया और इस संबंध में सदस्यों को अधिसूचित किया गया और संघ की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज हमारी सदर खंड की जो नई कार्यकारिणी बनी है, जिसका चुनाव पिछले महीने की 3 तारीख को हुआ था, उसका गठन किया गया और उसकी अधिसूचना जो है सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चरल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। मोदी लहर रोकने के लिए हरकत में आई कांग्रेस, बनाया प्लान, चुनाव घोषणा पत्र के लिए बनेगी कमेटी। मुकेश गुप्ता बने सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष, मनोज महासचिव तो रमेश बंसल बने उपाध्यक्ष। सभी वर्ग के व्यापारियों के लिए कार्य करने की कही बात। सुंदरनगर में मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंडोर गेम्स प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 70 वर्षीय कमला देवी ने जीती कैरम बोर्ड व चेयर गेम प्रतियोगिता। और ITI मंडी में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, प्रशिक्षुओं को आपदाओं से निपटने के बारे में दी गई जानकारी।